आने जा रहा हूँ, वो हर मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर में पूछता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। हर पेपर में ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फोकस करना है और दो फॉर्मूला बेस्ड सिर्फ क्वेश्चन है, फॉर्मूले की वैल्यू पुट करना है और डायरेक्टली आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के ई में आया था 5 मार्क्स के लिए, May 19 CBSGS क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ केबल कैरिंग अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर रन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पैन इज सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स 120 मीटर अपार्ट। ओके, द सपोर्ट्स आर एट द सेम लेवल। सेम लेवल मीन्स सिमेट्रिक है, लोड आपका सिमेट्रिक रहेगा एंड सेंट्रल डिप YC आपका कितना गिवन है 6 मीटर। फाइंड करने का बोला है आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द केबल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये आपका होता है फॉर्मूला मैक्सिमम टेंशन का। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको पुट करना है और मिनिमम टेंशन के लिए P min इक्वल होता है H के हॉरिजॉन्टल फोर्स के। ठीक है, ये दो फॉर्मूले का यूज है और हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। केबल कैरिंग, केबल बोलता है इट मीन्स इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स अवे फ्रॉम दी सपोर्ट रहेगा, ना के टूवर्ड्स दी सपोर्ट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अ केबल कैरिंग अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना बोला है लोड है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर UDL है। ठीक है, और केबल बोला है केबल हमेशा आपका अवे फ्रॉम दी सपोर्ट्स रहेगा। ठीक है, अभी इसका जो है सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टल स्पैन इज सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स। सपोर्ट्स आपका कंसीडर करो, यहां पर सपोर्ट्स है, तो ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को मैं एच लिख लेता हूं, दोनों सेम रहेगा एच, और वर्टिकल रिएक्शन के लिए आपका ये, अगर मैं ये ए लिखता हूं, ये बी लेता हूं, ठीक है, तो इसका वी ए और यहां पर आपका आ जाएगा वी बी। ठीक है, अभी आपका जो सिमेट्रिक सेम लेवल सेंट्रल डिप और ये सिमेट्रिक बता आपका, तो यहां पर से ये ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, और आपका डिप कितना है सेंट्रल डिप YC 6 मीटर। ओके, अभी सब डेटा मैंने लिख दिया हूं और स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने, अब फाइंड करना है अपने को और लेंथ कितना दिया हुआ है स्पैन लेंथ 120 मीटर, तो 120 मीटर कितना हो जाएगा आपका यहां से, यहां का डिस्टेंस है आपका 120 मीटर। ठीक है, और लोड भी दे दिया है, अभी मैं जो है सॉल्व करूंगा। अभी गाइस अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है इसका मैक्सिमम सॉरी वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने का, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आपको मोमेंट फाइंड करना होगा सी पे, ये अगर कुछ नहीं मीन्स क्रोन है सेंट्रल डिप टू सी, अगर यहां पर से मोमेंट निकालोगे तो आपको मोमेंट के जरिए से क्या मिलेगा आपको एच मिलेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा होगा, फॉर्मूला क्या है एच का, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू वाई सी। अब इसमें फॉर्मूले में अपना डेटा पुट कर दो आपका क्वेश्चन के, तो W कितना है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 20 इंटू L कितना दिया हुआ है 120 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू वाई सी कितना गिवन है 6। कैल्सियम में सॉल्व करते हैं हम आते, तो 20 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 6, तो आपका कितना मिल गया है 6000। ठीक है, एच मिला है आपको 6000 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां किलो न्यूटन में दिया हुआ है,
इसलिए आपको सबका वैल्यू जो है किलो न्यूटन में लिखना होगा। ये 6000 दे दिया आपको, तो यहां पर भी सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी सपोर्ट। तो इसका भी अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये एच के लिए है और ये वी के लिए, तो वी के लिए आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, डब्ल्यू एल अपॉन टू। ठीक है, तो डब्ल्यू कितना मिला आपको, 20 इंटू एल 120 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा आपका कैल्सियम में, 20 इंटू 120 डिवाइड बाई 2, 2400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1200। ये भी आपका किलो न्यूटन। ठीक है, आपका वर्टिकल फोर्स कितना मिल गया, 1200। ठीक है, तो यहां पर भी सेम क्योंकि सिमेट्रिक है, 1200 किलो न्यूटन। अभी हम ये पूरे वैल्यू को क्या करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है इनकेस तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप मोमेंट मैं क्या करूंगा, मोमेंट ले लूंगा क्रोन में, सी में, तो समेशन एट मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, साइन कन्वेंशन। तो मोमेंट एट सी लिया, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर मैं मोमेंट यहां लेता हूं, ये वर्टिकल फोर्स ऊपर रिएक्ट हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो वी ए इंटू डिस्टेंस कितना है 120, बट अपने को कहां पर लेना है मोमेंट, यहां पर सी में, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो गया 120 डिवाइड बाई 2, और पॉजिटिव रहेगा क्लॉकवाइज। अभी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एच इंटू हाफ ऑफ द डिस्टेंस, नहीं यहां पर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी वाई सी, तो इंटू 6। ठीक है, ये हो गया। अभी माइनस, माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यूडीएल आपका, अगर मैं यहां पर यूडीएल आपका यहां पर लोड एक्ट हो रहा है 20 का, और ये हाफ डिस्टेंस कितना है 120 का आधा 60, तो 60 इंटू, तो लोड, लोड क्या लिखूंगा मैंने इसमें 20 और हाफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज 60 मीटर। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा, हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इसका इतना डिस्टेंस कितना होगा 120 है, तो यहां 60, यहां 60, अगर यहां पर ये टोटल 160, तो 60 मीन्स 30, यहां पर 30, तो यहां 30, सेम यहां 30, यहां 30, है ना। तो आपका यहां पर जब लोड इसके बी सेंट्रल में एक्ट हो रहा है, तो सेंट्रल लोड का क्या होता है, 20 इंटू हाफ ऑफ द डिस्टेंस से लोड मिल गया आपको इतना 20 इंटू 60, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 30, तो 20 इंटू 60 इंटू 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अपने को वी ए पता है, वी ए कितना है 1200, तो 1200 इंटू 120 का आधा 60 माइनस एच इंटू 6। ठीक है, माइनस 20 इंटू 60 इंटू 30 इक्वल टू 0। अभी एच फाइंड करना है, तो कैल्सियम में सॉल्व करो, 20 इंटू 60 इंटू 30 प्लस 1200 20 इंटू 60 इंटू 36। देख सकते हो आपको कितना मिला, सेम मिला है जो ये फॉर्मूले में से मिल रहा था अपने को आंसर, वही हम मोमेंट एट सी फाइंड किया। अगर आपको इनकेस एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो, तो डायरेक्टली आप मोमेंट एट सी ले लेना, आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो एच की वैल्यू कितने आया आपकी, 6000, एच मिला आपको 6000 किलोमीटर, जो कि हमने फॉर्मूले से ऑलरेडी फाइंड भी किया। ठीक है, अभी यहां पर हम मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन फाइंड करने बोला था, अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को, तो टी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी ए, वी ए कितना मिला आपको 1200, तो 1200 का स्क्वायर प्लस एच कितना मिला है 6000 का स्क्वायर। तो पहले फाइंड करो 1200 का स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर रूट आंसर, तो 6118.82 कितना मिला है आपको, 6118.82 किलो
न्यूटन, ये आपका टी मैक्स, और टी मिनिमम किसके बराबर होता है, इक्वल होते हैं एच के। तो टी मिनिमम हमने एच फाइंड किया था, एच कितना मिला था आपको 6000, तो 6000 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर आपको टी मैक्स भी मिल गया एंड टी मिनिमम ये 6000, आप देख सकते हो मैक्सिमम टेंशन अपने को कितना मिला है 6118, बट मिनिमम टेंशन आपका इक्वल होता है एच के, तो ये मिला है 6000, यानी अपना जो टैली किया आपने वो आंसर आपका राइट है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग सो दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।